अयोध्या के रंग आई इंडिया के संग। जी हाँ, लगातार आई इंडिया आपको अयोध्या के तमाम रंगों को दिखाने का काम कर रहा है। अब हम आपको एक ऐसा रंग दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी कहेंगे क्या बात है। जी हाँ, क्योंकि हम जिस स्थान पर पहुँचे हैं ये अयोध्या का गुप्तार घाट है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाह रहे हैं। ज़रा सा देखिए, ये यहाँ पर जय श्री राम लिखा गया हुआ है रेत पर, और जय श्री राम के साथ ही अब हम जब इसका पर्दा उठाते हैं पूरा, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे मनोहारी नज़ारे को, तो वो मंदिर जिसकी आज चर्चा समूचे विश्व में हो रही है, भगवान श्री राम का अयोध्या का वो मंदिर जो यहाँ पर रेत पर उकेरा गया है, आप देखकर कहेंगे कि ऐसा मंदिर जो हमारे लिए आज भी, कहते हैं ना, जिसकी प्रतीक्षा थी, लोग कहते हैं 500 साल से भी पहले से लोग इंतज़ार कर रहे हैं भगवान श्री राम आएंगे और इसी भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये रेत पर बनाया गया वो मंदिर है और आपको उसी को दिखा रहा हूँ, और पीछे आप एक ज़रा बैनर पहले उस पर नज़र डालें, यह अयोध्या धाम विश्व कल्याण के नाम, यानी विश्व कल्याण के नाम से है अयोध्या का धाम। अब हम आपको इसी रेत पर भगवान श्री राम की उकेरी गई वो मनोहारी प्रतिमा, सिर्फ जो है आपको भगवान का वो रूप दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं आप, जिधर से भी देखेंगे उधर से आपको प्रसन्न चित्त और मनोहारी भगवान श्री राम दिखाई देंगे। उनका वो भव्य मुकुट और उनका वो मुखमंडल, जो मुखमंडल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी भगवान श्री राम मुस्कुरा देंगे, और मुस्कुराने वाले उनके पूरे दिखाई दे रहे हैं। ये निश्चित तौर पर इसको यूनिक कारीगरी कहेंगे, जिस कलाकार ने ये अपनी कलाकृति को उकेरने का काम किया है। यहाँ गुप्तार घाट पर आने वाले लोग बरबस ही ये देखने को मजबूर हो जाते हैं, और आई इंडिया की टीम आज इसी स्थान पर पहुँची हुई है। तो गुप्तार घाट का वो नज़ारा जिसे हम लगातार दिखाने का काम कर रहे हैं, दरअसल बताया ये जाता है कि भगवान श्री राम ने यहीं पर जो है जल समाधि ली थी। इसकी प्राचीनतम जो इसका इतिहास है वो निश्चित तौर पर अपना एक अलग स्थान कहा जाता है, और ऐसे में इस स्थान को लोग जो है अपने कैमरों में, मोबाइल में भी कैद करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है नज़ारा अब शायद उन्हें जल्दी देखने को ना मिले। पूरा जब भारत राममय होने लगा है तो ऐसे में साक्षात यहाँ पर रामचंद्र जी की जो मुखमंडल है उनकी प्रतिमा को उकेरा गया हो, तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा लग रहा होगा। ये देखने के बाद वो कितने प्रसन्न चित्त हो जा रहे होंगे ये सब देखकर, और ये अपने आप में एक अद्भुत और बहुत ही जो है यहाँ पर इलाके को रमणीय बनाकर रख दिया है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति भगवानमय हो जा रहा है, श्री राममय हो जा रहा है, और ऐसे में सेल्फी लेने वाले भी जो है ये दौर को नहीं गंवाना चाहते हैं, तो लोग अपने कैमरे में इसको भी कवर कर रहे हैं। तो अपने आप में एक अलग एक नगर जैसे बसा कर रख दिया है, जो लोग अयोध्या नगर नहीं जा पा रहे हैं, जो प्रभु श्री राम के उस मंदिर को नहीं देख पा रहे हैं, वो कलाकृति के जरिए उकेरने का काम हुआ है। और मैंने आपको बताया कि विशाल रूप भगवान श्री राम का, उनका मुकुट, उनका मुखमंडल बहुत कुछ कह दे रहा है, और बहुत चीज़ें जो है यहाँ पर एक अलग तरीके से बनाई गई हुई हैं, और ऐसे में आपको अयोध्या के अलग अलग स्थानों से तमाम चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। तो ये गुप्तार घाट से स्पेशल रिपोर्ट आई इंडिया के लिए थी, अपने सहयोगी नीतीश श्रीवास्तव और कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।